भी हीरो को दर्शाया गया देख सकते हो। अभी मैं इसका ब्रेक लगाऊंगा तो आपको दिख ही जाएगा, देख सकते हो पूरा एच बन गया। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो की तरफ से आने वाले 2024 की लेटेस्ट मॉडल जो कि इन्होंने नई लॉन्च किया है 440 यानी कि 440 सीसी के अंदर आती है मैवरिक। बहुत ही जबरदस्त मशीन है, गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है सब कुछ चीज दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो पड़ता है अपने मेरठ के अंदर वैशाली शोरूम के सामने, अजय कुमार अरुण कुमार हीरो मोटर को। आइए यहाँ पर आप आके गाड़ी की बुकिंग कर सकते हो, प्री बुकिंग चल रही है, जो पहले बुक करेगा उसे पहले मिल जाएगी, 5000 रुपये से बुकिंग मिल जाती है। शोरूम की सारी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और इनके शोरूम का थोड़ा सा विजिट मैं आपको वो भी दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, उसे भी जरूर देखना। तो साथ साथ सबसे पहले हम गाड़ी का वॉकराउंड करते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी के सबसे पहले वॉकराउंड की। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grass. तो अभी हम शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट से, गाड़ी के अंदर टायर कैसे मिलता है और इसका जो डिस्क ब्रेक का साइज है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका टायर साइज। इसके अंदर कंपनी देख सकते हो MRF का टायर दिया है, 110/70/17 का फ्रंट टायर मिल जाता है, आयल व्हील मिल जाते हैं जो कि डायमंड कट के साथ मिलेंगे, बहुत ही यूनिक डिजाइन लगता है देखने में। अगर हम डिस्क साइज की बात करें 320 mm का ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इधर देख सकते हो इधर ये भी आपको लोहे का फेंडर मिल जाता है जो कि आपको मरघट पूरी गाड़ी टोटली लोहे के साथ मिलती है। जो शोकर का साइज है वो भी देख सकते हो, इतना हैवी ड्यूटी मिल जाएगा आपको कि आपने इस कैटेगरी के अंदर किसी भी बाइक में आपने ऐसा शोकर नहीं देखा होगा। बात करते हैं इसके इंडिकेटर की, तो ये आपको LED मिल जाएंगे और हीरो की इसमें बैजिंग मिल जाती है, बहुत ही शानदार और फ्लेक्सिबल इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर हेडलाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर पूरी LED आपको हेडलाइट मिल जाएगी जो कि आपको देख सकते हो। इसमें हीरो का जो लाइट है वो भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हीरो को मतलब दर्शाया गया है, इधर H बना हुआ आ जाता है इसके अंदर। मैं आपको इसके ऊपर हाई बीम लो बीम दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्टर LED के साथ मिल जाएगी गाड़ी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नंबर प्लेट की, तो यहाँ पर अपन बाइक की नंबर प्लेट लगा सकते हो। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम क्लास के इसके अंदर लीवर्स मिल जाते हैं और डुअल वायर के साथ इसके अंदर देख सकते हो रेस की एक्सीलेटर चलती है। अगर हम मिरर की बात करें इधर भी देख सकते हो, इसमें हीरो का बैजिंग मिल जाती है, H बना हुआ है। अगर हम बात करें इधर से, तो इसके अंदर कंपनी देख सकते हो हैंडल बार भी मिल जाते हैं, साथ एक ही सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा, किल स्टार्ट स्टॉप इसके अंदर ही मिलेगा। और इधर हैजार्ड स्विच के साथ साथ कंपनी SOS का स्विच भी दिया है, यानी कि आप इमरजेंसी के दौरान इसमें कोई भी फीचर अपना लगा सकते हो, जिसमें आप आपातकालीन दौरान की तरफ इस बटन को दबाने के बाद अपनी सर्विस ले सकते हो। बात करते हैं इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो सिंगल बार हैंडल मिल जाता है गाड़ी को, ताकि हम राइड को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सके। अगर हम बात करते हैं इधर से, तो इसके अंदर देखो कंपनी ने USB टाइप सी का इसके अंदर पोर्ट भी दिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ खोल के। टाइप ए का इसके अंदर पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, यानी कि जैसे गाड़ी बनाई है टूरिंग के हिसाब से लंबी दूरी अगर आपको तय करनी है तो आप इससे अपने मोबाइल को लगातार चार्ज कर सकते हो, कोई भी आपको इसमें आपत्ति नहीं देखने मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इसके टैंक की, तो इसके अंदर ये भी लोहे का टैंक मिल जाता है पूरा, जो कि 13.5 लीटर का मिल जाता है। और इसके माइलेज को देखते हुए काफ़ी लंबी दूरी आप तय कर सकते हो, कंपनी 35 किलोमीटर का माइलेज का क्लेम करती है। इधर देखते हो प्रीमियम क्लास के अंदर स्विचेस मिल जाते हैं, चाहे वो इंडिकेटर का हो, ठीक है ना। ये इधर हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न का एक बार आवाज़ सुन लेते कैसी है, काफ़ी डिसेंट साइज का इसके अंदर हॉर्न मिल जाता है। आपको हॉर्न इस गाड़ी के हिसाब से चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी हैवी गाड़ी के साथ थोड़ा सा बड़ा मस्कुलर हॉर्न अच्छा लगता है। कंपनी को क्या है, कंपनी को अपने रूल के हिसाब से चलना होता है, कंपनी इस हिसाब को हॉर्न लगा के देगी। अगर हम बात करते हैं इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो फेंडर भी डुअल कलर का मिल जाता है, ये भी इसमें अलग से मिल जाता है ताकि मड को रोक सके। और यहाँ साइलेंसर गार्ड मिल जाता है, साइलेंसर जाता है कि इस पर अपना कुछ भी गर्म कपड़ा वगैरह ना लग सके, तो उस पर प्लेट कंपनी लगा के देती है। और क्रेडल फ्रेम के साथ मिल जाती है इन डबल चेचिस के साथ, ताकि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन ना हो, प्लस मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा बन के रहे गाड़ी की। 440 सीसी का इंजन मिल जाता है, इंजन वही है जो हार्ले डेविडसन 440X के साथ आता है। गाड़ी के अंदर क्या कुछ कंपैरिजन मिल जाता है वो भी इसकी वीडियो में आपको जल्दी बनाकर दिखाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम बात करते हैं इधर से, तो ये फुट रेस्ट जो है इसके फोल्डेबल मिल जाते हैं, पैर के जो ब्रेक है रियर इधर मिल जाएंगे आपको, जो कि काफ़ी अच्छे और शटल लुक के साथ दे रखे, यानी कि आपको प्रीमियम के साथ साथ आपको कंट्रोलिंग भी अच्छी मिलेगी। इधर देख सकते हो ये फोल्डेबल आपको रियर पैसेंजर फुट रेस्ट मिल जाता है, ये आपको प्लास्टिक का मिल जाता है ताकि इससे अपना पैर प्रोटेक्ट रहे। और साइलेंसर जो मिलता है वो देख सकते हो
ये कम्प्लीटली लोहे का, कोई इसमें प्लास्टिक की बैजिंग नहीं मिलेगी। ऊपर काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़े साइज का इसके अंदर देख सकते हो सिलेंसर होल मिल जाता है, ताकि इसकी आवाज़ जो है थंप बेस ही थंप है, इसलिए इसकी तरह सिलेंसर इसमें कंपनी ने दिया है। बात करें सोकर की, तो इसके अंदर देख सकते हो नाइट्रॉक्स के साथ सोकर मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा इसके अंदर पीछे का भी सोकर मिलेगा। अगर हम पीछे के टायर साइज की बात करते हैं, इसमें वाइब्रेटर डिस्क ब्रेक मिल जाती है पीछे की तरफ, और अगर हम टायर साइज की बात करते हैं, ये मिलता है 150/60/17 का फ्रंट रियर टायर मिल जाता है, और ये भी ट्यूबलेस डायमंड कट एल व्हील के साथ मिलता है। एबीएस पीछे की तरफ भी मिल जाएगा, 240 mm का पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्विंग आर्म की, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी मिल जाएगा, इसमें देख सकते हो कंपनी ने काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्विंग आर्म लगा दिया। अगर हम बात करते हैं इसके सोकर की, तो इसके अंदर देख सकते हो कंपनी ने जो सोकर है वो मिल जाता है इस तरह का, ये भी इसके अंदर लोहे का मिलेगा, और यहाँ पर एक्सटोर की बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी के अंदर इंजन कैसा है वो सबसे लास्ट में हम बताएंगे। सीट की बात कर लेते हैं, सीट इसमें दो बंदों के लिए काफ़ी इनफ है, काफ़ी आराम से इसमें बैठ सकते हो आप। बात करते हैं जैसे, तो इसके अंदर सिंगल आपको पीछा ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इसमें हीरो की बैजिंग मिल जाएगी। सीट हटवाने के बाद आप यहाँ पर बैक रेस्ट भी लगवा सकते हो, जो मुझे लगता है हीरो आने वाले समय में अपनी तरफ से भी देगा, बाहर से भी इसे लगवा सकते हो आप। अगर हम बात करते हैं पीछे की, मैं आपको पीछे टेल लाइट दिखाता हूँ। इसकी जो टेल लाइट है पीछे, इसमें भी हीरो को दर्शाया गया है, देख सकते हो। अभी मैं इसका ब्रेक लगाऊंगा तो आपको दिख भी जाएगा, देख सकते हो पूरा एच बन गया। तो मतलब कंपनी ने जो एक एक चीज़ दी है ना, वो बिल्कुल हीरो को देखते हुए और हीरो की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए दी है। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, इधर भी देख सकते हो काफ़ी फोल्डेबल इसके टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं LED में, और यहाँ पे देख सकते हो नंबर प्लेट लगवा सकते हो LED का, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट लगा दे रखी कंपनी ने। और इसकी देख सकते हो पीछे की तरफ इस टेल में भी लोहे का इसके अंदर फ्रेम दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर देख सकते हो, ताकि ये भी मजबूत बना रहे, कुछ चीज़ आकर लगती है तो ये भी टूटने की नहीं। इसमें अंदर की तरफ लोहे भी लोहे का फ्रेम दे रखा, इधर देख सकते हो यहाँ पे पूरे का पूरा जो साड़ी गार्ड है वो लोहे का मिल जाता है इसके साथ, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा कंपनी लगा के दिया है, ताकि आपको अलग से लगवाना ना पड़े। जो इसका चैन कवर है वो प्लास्टिक का मिलेगा, यानी कि स्पोर्ट्स जैसे बाइक में आता है उसी तरह का मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इधर से, तो उसके अंदर एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है पीछे के पैसेंजर के जो फुट रेस्ट लगते हैं उस पर। बात करते हैं गियर बॉक्स से, तो उसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, ठीक है ना। इंजन की हम सबसे लास्ट में बात करते हैं, सबसे पहले आपको पूरी गाड़ी के बारे में बताना बहुत जरूरी था। और इसके साथ कंपनी ने देख सकते हो साइड स्टैंड के साथ साथ इसमें फुल स्टैंड भी कंपनी ने दिया है, ठीक है ना, जबकि हार्ली डेविडसन में आपको फुल स्टैंड नहीं मिलता, ठीक है। अभी हम इसके एक बार साउंड सुन लेते हैं, उससे पहले मैं इसको मैंने आपको माइलेज बताया है, इसका 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर 440 cc का इंजन मिल जाता है, 4 वॉल्व 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो इसके अंदर 27 PS की पावर मिल जाती है 6000 RPM पर। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क की, तो 36 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर 4000 RPM पर। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैवी इंजन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस इंजन की, तो ये इंजन खुद हार्ली डेविडसन और हीरो ने मिलकर बनाया, तो इंजन पे भी आप रिलायबल और ट्रस्ट जता सकते हो, क्योंकि हार्ली डेविडसन कंपनी भी कोई ऐसी नहीं है, और हीरो को भी आप जानते हो पिछले कितने साल से देश के अंदर अपनी सेवा दे रही है, सारे इंजन ट्रस्टेड फुल इसके इंजन निकले हैं आज तक। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की, तो 35 किलोमीटर का प्रति लीटर का एवरेज क्लेम करती है जो कि हीरो और हार्ली डेविडसन है इस इंजन के लेकर के, ठीक है ना। आइए एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन बताता हूँ, गाड़ी कितनी लंबी चौड़ी मिल जाती है अपनी। तो अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन वाइज कितनी लंबी चौड़ी मिल जाती है इसकी। ओवरऑल अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो 2100 mm गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की चौड़ाई की, तो 868 mm गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के वेट की, तो 174 किलो गाड़ी के अंदर वजन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल हाइट की, तो 1112 mm गाड़ी की ओवरऑल हाइट मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो वही 13.5 लीटर का मिलेगा। सीट हाइट की बात करते हैं, 803 mm की गाड़ी के अंदर सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो श्रेणी के हिसाब से बहुत ही अच्छी 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। आप पथरीले रास्तों पर भी ऊबड़ खाबड़ में बड़े आसानी से गाड़ी को मैनूवर कर सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक बार इसके साउंड सुन लेते हैं, गाड़ी का साउंड कैसा है। गाड़ी के अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी पोस्ट कटिंग इसके डिजिटल मीटर को देखते हुए लगी है। छोटा डिजिटल मीटर दे दे गाड़ी के हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा या गोल होना चाहिए था तो और भी अच्छा लगता। ये आइडल आरपीएम पे
गाड़ी का साउंड कैसे लगेगा, गाड़ी कैसी लगी। अभी हम बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात। तो गाड़ी आपको मेरठ में ऑन रोड प्राइस टॉप मॉडल खड़ा है, इसका बेस मॉडल भी आता है, मिड मॉडल भी आता है। इस टॉप मॉडल की बात करें तो 270,000 रुपये का ऑन रोड आपको मेरठ में मिल जाएगा।